ट्रांजिशन स्क्रीन्स अननोइंग होती हैं और यह है इमर्सिव नेदर पोर्टल मोड, और आज हम इसको रिक्रिएट करने वाले हैं पर एंड पोर्टल के साथ। इसके काम करने के लिए हमें दो एंड पोर्टल ढूंढने पड़ेंगे, जिसमें से एक के नीचे हम पूरा एंड आइलैंड बनाने वाले हैं, जिसमें से एक ये है हमारा पुराना एंड पोर्टल। इस पर कुछ काम नहीं है, हमें कुछ हज़ार ब्लॉक्स दूर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर ढूंढना पड़ेगा एक नया पोर्टल। अब यहाँ पर आके ट्राई करते हैं। यस, परफेक्ट, दूसरे डायरेक्शन में लेके जा रहा है। अभी ये पर्ल कैच करो, पर्ल नीचे जा रही है, लेट्स गो। नीचे की तरफ लेके आए हमें और यस हमें मिल गया। तो मुझे अब इसके नीचे एक बड़ा सा गड्ढा बनाना है ताकि हम इसके नीचे एंड आइलैंड बना सकें। पहले ये लावा हटा लेते हैं, अब नीचे जगह बना लेते हैं फटाफट और देखते हैं कितनी बड़ी जगह हमें चाहिए होगी पूरा बिल्ड के लिए। इस स्पीड से तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, मेरे को मेरे फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस पॉइंट पर आके मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। भाई बनेगा ही नहीं यार, बहुत मुश्किल है, मैंने खुद देख रखा है भाई, बंदों ने किसी ने आज तक नहीं करा। मैं 24 घंटे में बना के दिखला सकता हूँ। 24 घंटे? हाँ 24 घंटे में बना दूंगा। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, इस पॉइंट पर आके हमें थोड़ी बहस हो गई और फिर ये हुआ। मैं बना के दिखलाऊंगा, बैट लगा ले। लगा रहे बैट इंतजार की, चल 24 घंटे बाद मिलते हैं। स्केलेटन यू आर डेड ब्रो। आई गैस मुझे TNT यूज करने चाहिए, जिसके लिए बहुत सारा गन पाउडर एंड सैंड लगेगी। फटाफट से अपने बेस से सारी सप्लाईज लेकर आता हूँ और बिल्ड करते हैं स्टार्ट। ये हमारा फार्म ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, पर इसके लिए हमें कैट्स चाहिए और मेरे पास कोई कैट है नहीं, पैट कैट नहीं है अभी, तो फटाफट से पैट कैट लेकर आता हूँ। एक्चुअली 4 चाहिए हमें। यप, यहाँ पे मिली जाए। और मैंने 2 पैट कैट्स तो ले लिए हैं, अब इनको बस अपने साथ लेकर चलना है। आई होप ये मेरे को फॉलो करेंगी। लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। यप, 360 से ज़्यादा हो गया। इन दोनों कैटों को खिलाते हैं खाना और ये भाई ब्रीड करो, आबादी बढ़ा थोड़ी सी। यप, एक और कैट आ गई हमारे पास, अब इसको बिठा देते हैं यहाँ पे और ट्रैप डोर से इसको कर देते हैं कवर। और भाई ये मैंने सैंड डूपर भी बना दिया है, ये बेसिकली सैंड को डबल करेगा। फटाफट से एक सैंड ब्लॉक लेकर आते हैं जिसको कि हम लोग डबल करेंगे। यप, ये रहा यहाँ पे, इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे। यस, ये स्टार्ट हो चुका है और बस देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यस, परफेक्टली काम कर रहा है ये, बिल्कुल काफ़ी सारी सैंड दे रहा है हमें ये। अब बस AFK होना है, ये लैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। सैंड फार्म परफेक्टली काम कर रहे हैं और क्रीपर फार्म देखते हैं, क्रीपर फार्म भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब फटाफट से TNTs क्रिएट कर लेते हैं फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा और प्लेस करते हैं इनको नीचे यहाँ पे। और अब बस एक ही चीज़ का वेट है, ऊपर निकलते हैं यहाँ से। एक एरो, यस ब्लास्ट हो रहा है, परफेक्ट। देख रहे हो कितना बड़ा गड्ढा हो गया कुछ सेकंड्स में। बस क्या होगा अगर हम लोग बैड रॉक से लेकर ऊपर तक TNT लगाएं और उसको ब्लास्ट करें, लेट्स फाइंड आउट। ये गया हमारा एरो। ओके भाई, पूरी जगह खाली कर दी। We'll be right back.
ये तरीका और आसान है, टीएनटी प्लेस करते जाओ और फायर करते जाओ। एक प्रॉब्लम है, इस जगह को वॉइड जैसा दिखने के लिए हमें इसके सारे ब्लॉक्स रिप्लेस करने पड़ेंगे किसी डार्क ब्लॉक के साथ, पर हम कौन से ब्लॉक्स यूज़ करेंगे? मैंने सारे ब्लॉक्स को देखा और हम यूज़ करने वाले हैं ब्लैक कंक्रीट पाउडर। मैं समझाता हूँ क्यों। तो सबसे पहले ब्लैक कंक्रीट पाउडर बना लेते हैं, जिसके लिए चाहिए होगी हमें ब्लैक डाई। गिव मी दैट। परफेक्ट। अब बस हमें इसे सैंड जैसे डुप्लीकेट करना है। भाई 10 घंटे बचे हैं। ज़ॉम्बी, यू आर डेड। परफेक्ट, इट्स वर्किंग। फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। इट्स माय एरिया ब्रदर। काफी सारे ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। हेलो ब्रदर। पूरा फ्लोर कवर कर दिया है और हमने काफी हद तक वॉल्स भी कवर कर दिए हैं। बड़ा ही सिंपल तरीका प्लेस करने का, सल्कर बॉक्स में से निकालो और स्टार्ट करो बस प्लेस करना। प्लेस करते जाओ और ये नीचे गिरते रहेंगे। दैट्स इट। जैसा कि मैंने बताया, ये कंक्रीट पाउडर है, अगर हम लोग इस पर पानी डालेंगे तो ये ठोस हो जाएगा। यस, परफेक्ट, एकदम ब्लैक हो जा रहा है ये। हमें यही चाहिए। अब बस पूरे पे हमें पानी डालते जाना है और पूरे को इसको कवर कर देना पानी से। यस, हमने पूरा कवर कर दिया इसको। और ज़ॉम्बीज, निकलो भाई यहाँ से। वॉइड तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को एंटर करना होगा एंडस्टोन ग्राइंडिंग मोड, क्योंकि यहाँ पर लगने वाले हमारे बहुत सारे एंडस्टोन। सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स गो। मेरे पास जो बचे हुए टीएनटी है उनका यूज कर लेता हूँ। टावर के लिए बहुत सारे ऑब्सिडियन की जरूरत भी पड़ने वाली है। बहुत तेज नींद आ रही है यार, पर 10,000 ऑन बेड बहुत ज्यादा है। बिल्ड तो करके रहूंगा मैं कंप्लीट। परफेक्ट, हमारे पास सारे ब्लॉक्स आ चुके हैं। अब बस बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। हाइट देखते हैं पहले इसकी, कितनी हाइट पर होना चाहिए पोर्टल। इधर बना के देखते हैं। लावा मिसप्लेस कैसे हो गया? अभी अगर उसमें मर जाता दोनों सल्कर बॉक्स चले जाते। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर है, नीचे होना चाहिए था इसे। थोड़ा पूरा बॉर्डर दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा। ओके, ये हमारा आइलैंड कुछ ऐसा बना है। अब बस इसमें एक चीज़ मिसिंग है, जो कि हमारा रिटर्न पोर्टल। अंदर से इसको कवर कर देते हैं ब्लैक कंक्रीट से। और ये हमारा फाइनल आइलैंड, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये मैंने एंट्रेंस भी बनाई है इसके लिए। सीढ़ियों से आते वक्त हम लोग आइलैंड को ग्लास के थ्रू डायरेक्ट देख पाएंगे और ऊपर आके हम लोग आइलैंड के अंदर जा पाएंगे। और हाँ, ये बिल्ड कंप्लीट करने मेरे को टोटल 26 घंटे 15 मिनट लगे हैं, जिसका मतलब मैं ये बैट ऑफिशियली हार चुका हूँ। पर ये यादगार बिल्डों में से एक होने वाला है।